हेलो गाइस गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 ऑफ कंस्ट्रक्शंस। गाइस मेरी एक रिक्वेस्ट थी एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने से पहले, जो मैंने इससे पहले वाली क्लास में सारे बेसिक्स बताए हैं ना, वो जरूर से कर लें, ठीक है। उसमें बेसिक्स मैंने ए टू जेड बेसिक्स बताए हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शंस में होते हैं, ठीक है, जो हमारे को यूज़ होंगे। तो मैं जब क्वेश्चन करूँगा तो बेसिक्स नहीं बताया करूँगा आपको, क्योंकि बेसिक्स मैंने उससे पहले वाली क्लास में बता दिए, इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है। तो आप वो जरूर कर लें तो आपको फिर क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले वो बेसिक वाली क्लास कर लें, इससे पहले वाली क्लास है वो, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है हमारा, कह रहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक लाइन बनाओ, लाइन सेगमेंट बनाओ जिसकी लेंथ 7.6 सेंटीमीटर है। तो मैं बना लेता हूँ स्केल से, ठीक है। 7.6 की मैंने लाइन बना ली, ठीक है। लाइन सेगमेंट, इसको कुछ भी नाम दे दो अपनी मर्जी से। सबसे पहले मैं लाइन सेगमेंट बनाती ना, नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है नाम देना। फिर आगे कह रहा है एंड डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 5:8। कह रहा है इसको, इस लाइन को ना 5:8 में डिवाइड करो, ठीक है। मैंने इसकी बेसिक जो इससे पहले वाली क्लास थी, बेसिक वाली क्लास में मैंने आपको रेशियो में डिवाइड करना सिखाया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिकली रेशियो में डिवाइड करना सिखाऊंगा नहीं, मैं सीधा यूज़ करूंगा, ठीक है, वो जो मैंने बेसिक में बताया था। तो मेजर द टू पार्ट्स। अब फिर कह रहे हैं कि जब ये 5:8 में बढ़ जाए ना, तो फिर दोनों पार्ट्स को मेजर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 5:8 में डिवाइड करते हैं, ठीक है, वही जैसे मैंने पहले से कहा था। सबसे पहले यहाँ पे एक एक्यूट एंगल में एक्यूट एंगल की रे बना दो, ठीक है, ऐसे करके एक रे बना दी। अब ये टोटल कितना है, 5 + 8 = 13, 5 + 8 = 13 है। तो इस नीचे वाली लाइन को ना 13 में डिवाइड कर दो, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे 13 में डिवाइड कर दो। तो अपने आप ना नॉर्मली जैसे थोड़ा मेजर करके ना कंपस, अपने कंपस खोलो, तो मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के कि 13 13 वो पार्ट्स बन जाएंगे इस लाइन के, नहीं तो लाइन थोड़ी बड़ी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके 13 पार्ट्स कर दो लाइन के, ये एक हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे ये दूसरा हो गया, फिर यहाँ से ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ऐसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करते रहो, ठीक है। टोटल 13 करने हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 13 है, तो 13 करेंगे हम, ठीक है। अब देखो ये लाइन छोटी पड़ गई, तो इसको बढ़ा लो आगे, ठीक है। टोटल बस हमें पार्ट्स 13 करने, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। जितनी मर्जी आगे बढ़ा लो, अपना हमारी मर्जी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, आठ, नौ, दस, 11, 12 और ये 13, 13 पूरे हो गए, ठीक है। अब जैसे ही 13 हो गए, वैसे ही 13 वाले को मिला दो इसके साथ, ठीक है, हो गया इतना। अब देखो, अब इनको नाम दे दो सबसे पहले, A1, A2, A3, A4, कुछ भी नाम दे सकते हो। ये A से चल रहा है तो मैं A से ही दे देता हूँ सारे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। ये A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया। अब क्या करना है, पहला वाला पार्ट 5 है और दूसरे वाला पार्ट 8 है। तो 5 पे ना यहाँ पे इसके जैसी पैरेलल लाइन खींचनी है, बिल्कुल ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन, इसके जैसी बिल्कुल ऐसे एक पैरेलल लाइन खींचनी है। अब पैरेलल लाइन कैसे खींचनी है, मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले एक ऐसे एंगल बन, इस पे एंगल बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बनाया। फिर सेम कंपास खोल के, कंपास को बड़ा ज्यादा नहीं करना, ठीक है। अब जितनी कंपास अभी खोली थी ना, उतनी कंपास खोल के A5 पे ऐसे एक एंगल बना दो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा बना दो, ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा, अब क्या करना है, अब इसकी लेंथ नापो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नापो, कितनी आ रही है, जितनी भी आ रही है उतनी ही लेंथ नाप के यहाँ पे कट कर दो। यहाँ पे इसको, यहाँ पे ऐसे रख के कंपास को, और ऐसे अब इसको कट कर दो, ठीक है। अब जहाँ पे कट किया है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचो A5 से, दैट्स इट।
ओके अब ये हमारा बढ़ गया 5 और ये 8 में, 5:8 आ गया। ठीक है अब असली में हमारा क्या कटा था, ये 5 और ये 8, देखो यहाँ तक 5 है, A1, A2, A3, A4, A5, 5 ये है और 8 पार्ट ये है। ठीक है असली में हमारी जो लाइन कटी है वो ये कटी है, जो ये ए और ए से लेके A13 है ना, ए से लेके A13 इसकी रेशो है 5:8। ठीक है पर हमने इसकी भी रेशो 5:8 कैसे लिख दी, ऊपर वाली लाइन की 5:8 क्यों लिखी, क्योंकि मैंने आपको बताया भाई इसके पहले वाली क्लास में हमारी लगती है BPT थ्योरम। ठीक है अभी मैं आपको ये बताऊंगा, जस्टिफिकेशन भी दूंगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारा कि जस्टिफिकेशन भी देनी है। ठीक है क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ठीक है तो जस्टिफिकेशन जब मैं दूंगा ना तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा। ठीक है तो वैसे ना हमारे को ना जस्टिफिकेशन पूछा नहीं जाता पेपर में, ज़्यादातर मैक्सिमम ऑफ टाइम जस्टिफिकेशन नहीं पूछा जाता, बस क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल में जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना वैसे एग्जाम्पल में बस को यही क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्टिफिकेशन नहीं पूछी होती। जैसे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, जस्टिफिकेशन तो ऊपर लिखा ना कि सारे क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन भी दो, तो हम दे देंगे जस्टिफिकेशन भी, कोई दिक्कत नहीं है। पर जस्टिफिकेशन वैसे मैक्सिमम ऑफ टाइम पेपर में नहीं पूछी जाती। ठीक है बस इतना ही पूछा जाता है कि भाई इसको 5:8 में बांट दो। अब देखो सबसे पहले हमने इसकी पूरी फिगर बना ली, अब हमारा काम क्या है, अब हमें इसके लिखने हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये तो सबसे इजी होते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले फिगर बनानी है। ठीक है उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या होता है देखो, सब जो जो हमने शुरुआत से किया है ना वही वही बस लिखते रहो, फुल मार्क्स मिलते हैं इन क्वेश्चन में बिल्कुल। ठीक है अब देखो फर्स्ट में, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, हमने ये लाइन बनाई थी ए से लेके बी तक। ठीक है तो यहाँ लिख दो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन बोला था ना तो 7.6 सेंटीमीटर लिख दो। ठीक है जैसे जैसे जो जो काम हमने किया है वो काम लिखते रहो बस। ठीक है ये सबके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सबके अलग होते हैं, ठीक है सब अपनी अपनी इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है तो ड्रॉ अ लाइन, लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर, या कोई ऐसे भी लिख सकता है ड्रॉ अ लाइन ऑफ 7.6 सेंटीमीटर, अपनी मर्जी हमारी। ठीक है उसके बाद देखो, उसके बाद हमने क्या किया था, फिर यहाँ पे एक्यूट एंगल पे हमने एक रे बनाई थी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है तो ड्रॉ और रे, ड्रॉ और रे, रे कह लो या लाइन कह लो, ठीक है ड्रॉ अ लाइन विच इज एक्यूट एंगल एट ए, एक्यूट एंगल एट ए। ठीक है एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में। ठीक है वो होता है हमारा एक्यूट एंगल। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, थर्ड स्टेप में हमने इसके पार्ट्स किए थे। ठीक है थर्ड स्टेप में हमने इसके पार्ट्स ही तो किए थे, अब यहाँ पे लिखेंगे मेक, मेक 13 इक्वल पार्ट्स, या लिखेंगे ड्रॉ या मेक कह लो कुछ भी, ड्रॉ 13 इक्वल पार्ट्स ऑफ ए से लेके A13, A13। ठीक है इसके हमने 13 इक्वल पार्ट्स किए विद कंपास, कंपास से किए हैं तो कंपास कुछ भी लिख दो। ठीक है अपनी मर्जी से लिखने होते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर फोर्थ, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में हमने क्या किया था, ज्वाइन बी से A13 को ज्वाइन कर दिया था। ठीक है जो 13वां पॉइंट आया था हमने फिर उससे बी और A13 को ज्वाइन कर दिया था, तो ज्वाइन बी एंड A13। ठीक है इन दोनों को हमने ज्वाइन किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, फिर हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन बनाई है। ठीक है A5 पे हमने पैरेलल लाइन बनाई है। ठीक है फिफ्थ पे ज्यादा ना, कभी कभार ना एक स्टेप ना एक आधा स्टेप काट सकते हैं। ठीक है हर एक स्टेप में लिखना होता है। अब आप ये नहीं लिखोगे कि यहाँ पे फिर हमने कंपास से ऐसे इसको खोला, ठीक है कंपास से ऐसे इसको खोल के फिर हमने मेजर किया, फिर हमने इसको ऐसे मेजर किया, ठीक है फिर हमने ऐसे पैरेलल लाइन बनाई, ऐसे नहीं लिखना। सीधा लिखो ड्रॉ देन, देन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन टू बी A13। पैरेलल लाइन क्या कौन सी बनाई हमने, A5, और इसको नाम दे दो C दे दो, जैसे पैरेलल लाइन CA5 टू BA13। ठीक है BA13 के हमने पैरेलल लाइन बनाई है CA5। ठीक है ये वाली लाइन हमने पैरेलल बनाई है। हमें ना हमेशा ये नहीं बताना होता कि हमने कैसे किया, सीधा लिखेंगे हमने पैरेलल लाइन बनाई,
ये नहीं बताएंगे कि हमने कैसे बनाई, पहले इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे जोड़ा, ये नहीं बोलेंगे। फिर हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन बनाई। उसके बाद हमने जब बी और A1 3 को ज्वाइन किया, उसके बाद हमने एक पैरेलल लाइन बनाई। ठीक है, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, हमारी मर्जी होती है, बस टीचर को समझ आना चाहिए कि हमने क्या लिखा है, मतलब हमारा प्रूफ हो रहा होना चाहिए। ठीक है, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सब अपने आप ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्स देखो, सिक्स पॉइंट क्या होगा, जब हमने इसको और इसको जोड़ दिया तो पॉइंट ऑब्टेंड हुआ सी, सी पॉइंट यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है इसको सी माना हमने, तो लिखेंगे देन ऑब्टेंड पॉइंट, ऑब्टेंड पॉइंट सी विल विल डिवाइड द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट या लाइन ए बी टू द रेशियो 5:8। दैट्स इट, हमारा ये आंसर हो गया, बस खत्म हो गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम ऑफ टाइम बस इतना ही पूछा जाता है। पर अब क्वेश्चन में इधर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जस्टिफिकेशन भी करो। ठीक है, हमारे को प्रैक्टिस कराना चाहते हैं बेसिकली ये। ठीक है, तो इधर हमें बोला जस्टिफिकेशन भी करो। जस्टिफिकेशन क्या होती है मैं बताता हूँ। जस्टिफिकेशन का मतलब पता क्या है, जस्टिफिकेशन का मतलब है जैसे हमने ना जो हमने रेशो में बांटा है, असली में हमारी जो रेशो आई है वो ये आई है। देखो ए, ये देखो हमने इसको बांटा, इस लाइन को बांटा है ना, ये ए से लेकर A1 3, इसको 13 पार्ट्स में बांटा था, फिर ये 5 पे हमने ऐसे पहले लाइन बनाई है, तो असली में जो रेशो आई है इसकी आई है ना। देखो ये 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स हो गए ये ए से लेकर A5 तक, और ये बाकी जो है ये 8 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो असली में रेशो आई है इसकी 5 आई है और इसकी 8 आई है। ठीक है, असली में रेशो हमारी ये आई है, पर कह रहे हैं कि 5:8 ऊपर वाला कैसे लिख दिया आपने, जस्टिफिकेशन का मतलब ये है हमने ऊपर वाला कैसे लिख दिया। देखो मैं बताता हूँ, अब देखो अब हमारी ये तो आपको पता लग गया कि ए से लेके A5 तक अपॉन में A5 से लेके A13, A5 से लेके A13। ठीक है, ये कितना है हमारा 5:8। ठीक है, ए से लेके A5 तक, ए से लेके A5 तक 5, और A5 से लेके A13 तक कितना है हमारा 5:8, तो 5:8 लिख दिया मैंने। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखना है एंड एज वी नो जो ये हमारी लाइन है सी, A5C इज पैरेलल टू बी से लेके A13, जो हमने ये लाइन बनाई है ए सी से लेके A5 तक, ये वाली लाइन सी से लेके A5 तक ये पैरेलल है BA13 के, हमने यही तो पैरेलल इसीलिए तो बनाई है कि ये दोनों पैरेलल होए। ठीक है, ये हमने पैरेलल इसीलिए बनाई थी क्योंकि हमें पता है बाय बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, जब भी ट्रायंगल में दो लाइन जब पैरेलल होती है ना, यस ये वाली और ये वाली पैरेलल है, तो उसके जो रेशो है ना वो इक्वल होते हैं। रेशो का मतलब ए से लेके A5 तक यहाँ पे कट कर रही है, तो ए से लेके A5 डिवाइडेड बाय A5 A13 इज इक्वल टू ए से लेके A5 डिवाइडेड बाय A5 A13 इज इक्वल टू होता है AC बाय CB। देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा और समझा देता हूँ। जैसे कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारा ABC। ठीक है, अभी हमने BC के पैरेलल ना यहाँ पे एक लाइन खींची, इसका नाम है DE। ठीक है, अब हमारी क्या है, DE पैरेलल है BC के। ठीक है, हमने कि ऐसे लाइन खींची जो DE पैरेलल BC होगी, तो PPT थ्योरम हमारी कहती है कि जो ये रेशियो है ना ये इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएंगे, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, EC ये रेशो हमारी इक्वल पार्ट्स में बढ़ गई। ठीक है, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। हमने BC के पैरेलल एक लाइन बनाई थी DE। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, हमने BC के पैरेलल एक लाइन बनाई थी DE। ठीक है, तो जब ये पैरेलल लाइन बन जाती है तो हमारा BPT थ्योरम कहती है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो हमने पैरेलल बनाई है, ये ट्रायंगल को दो रेशो में काट देती है, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ठीक है, ये आ जाता है हमारा। तो मैंने मैंने यहाँ भी तो यही लिखा, AA5 बाय A5 A13 इज इक्वल टू AC बाय CB, हमने ऊपर पैरेलल लाइन बनाई थी। तो अब हमारा देखो AA5 बाय A5 A13 ये हमारा कितना आया है 5:8,
तो ए सी बस ई बी भी 5/8 हुआ, ठीक है, यही तो हमारा, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस ए सी बाई सी बी इज इक्वल टू 5/8, यही तो हमने प्रूव करना था, 5:8 में लाना था, ये 5/8 का मतलब 5:8 ही है, ठीक है, तो 5:8 में आ गया हमारा। और फिर एक बार क्वेश्चन में कह रहे थे कि मेजर कर लो इन लाइन को, ये जो लाइन आपने बनाई है ना, उसके बाद इसको मेजर कर लो, तो ए सी आया हमारा 2.9, 4.6 आई है, 4.6 एक्यूरेट देख लेना, जितनी भी आएगी वो लिख देना, ठीक है, 4.67 में 4.7 हो रही है, ठीक है, एक्यूरेट जितनी भी आएगी आपकी, जितनी भी आएगी लिख देना, किसी की 4.6 भी आ सकती है, किसी की 2.8 भी आ सकती है, थोड़ा बहुत ना हल्की सी मिस्टेक्स चलती हैं, ठीक है, बहुत बहुत स्मॉल मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, कहीं होगी 4.6 आएगी, कहीं होगी 4.8 भी आ सकती है, मतलब ऐसा थोड़ा सा हल्की सी मिस्टेक हो जाए ना पेपर में तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, बस हमारा आंसर सिमिलर आना चाहिए जैसे सबका आंसर आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला था मेजर द टू पार्ट्स, हमने ये दोनों पार्ट्स को मेजर करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन खत्म। वैसे पेपर में हमारी ये जस्टिफिकेशन नहीं पूछी जाती, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जस्टिफिकेशन जो है ना ये हमारी पेपर में नहीं पूछी जाती मैक्सिमम ऑफ टाइम, पर ये हमारे को आनी जरूर चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, 10 में से 1 टाइम या 2 टाइम पूछ लेते हैं, 10 में से 1 बार पूछ, मान लो आप 10 में से 1 बार पूछ लेते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ टाइम नहीं पूछी जाती है, वैसे आपको आनी चाहिए तो करना जरूरी है, ठीक है, इससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। गाइस प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है मेरे को इन ये वीडियोस बनाने में, कंस्ट्रक्शन किसी को समझाना आसान नहीं है, ठीक है, खुद समझना बहुत ईजी है पर किसी को समझाना बहुत मुश्किल है, तो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर करना वीडियोस को, ठीक है, थैंक यू।